नमस्कार, मैं हूं सुमित काबरा और आप मेरे साथ द विंडो पर हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। पॉपुलर टीवी शो साथ निभाना साथिया के एक सीन पर बना रसोड़े में कौन था रैप तो आप सुन ही चुके होंगे, शायद आजकल इस गाने को गुनगुना भी रहे होंगे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद दर्शकों की मांग उठ रही थी कि वे दोबारा साथ निभाना साथिया के कलाकारों को एक साथ देखना चाहते हैं। तो हम इस धारावाहिक के दर्शकों को बता दें कि अब शो के मेकर्स ने इसका सीजन 2 लाने का फैसला कर लिया है। धारावाहिक की लीड एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि भी की है। देवोलीना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि साथ निभाना साथिया सीजन 2 जल्द आ रहा है। हम आपको बता दें कि साथ निभाना साथिया स्टार प्लस पर 10 साल पहले 3 मई 2010 को रिलीज हुआ था। सालों साल तक चला यह शो 23 जुलाई 2017 को ख़त्म हुआ था। इस शो को लेकर चर्चाएं तब शुरू हुई जब इसके एक क्लिप को म्यूजिक प्रोड्यूसर यशराज मुखाते ने एक बेहद फनी मीम में बदल दिया। उन्होंने कोकिला बेन के डायलॉग में म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट डालकर इसे मीम मटेरियल बना दिया। तब से ये सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। शो की प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा ने भी एक न्यूज़ पोर्टल से बातचीत में यह खबर कन्फर्म की है। उन्होंने कहा 2010 में जब ये शो ऑन एयर हुआ तब से आज तक चर्चा में बना रहा। शो बंद होने के बाद भी मेरे दिमाग में घूमता रहा। कई सारे आइडियाज़ दिमाग में आए कि कैसे इस शो को आगे बढ़ा सकते हैं। कोरोना लॉकडाउन के बीच शो के रिपीट टेलीकास्ट को ज़्यादातर लोगों ने देखा। तब मुझे लगा कि साथ निभाना साथिया को नए सीजन के साथ लाने का समय आ गया है। प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा ने बताया कि साथ निभाना साथिया सीजन 2 में कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। स्टोरी लाइन में ढेर सारे ट्विस्ट होंगे। ये एक फैमिली शो ही रहेगा और रिश्तों के ताने बाने के इर्द गिर्द ही घूमेगा। जब प्रोड्यूसर से पूछा गया कि क्या सीजन 2 में भी कोकिला बेन यानी रूपल पटेल की कास्टिंग होगी, इसके जवाब में रश्मि शर्मा ने बताया कि मोदी परिवार के बिना ये शो वापसी नहीं कर सकता। कोकिला बेन और गोपी वापसी करेंगे। रूपल पटेल और देवोलीना भट्टाचार्य अपने रोल को फिर से दोहराएंगे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ को इस शो में बतौर लीड कास्ट किया जा सकता है। हालांकि शो के लिए नए चेहरों की तलाश जारी है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये हमें ज़रूर बताएं। फिल्म जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें द विंडो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.